फिर एक और कार्ड है, अनदर ब्यूटिफुल व्यू, दैट इज द बर्ड्स नेस्ट, थ्री ऑफ फोर्सेस. एक मजबूत नेस्ट दिखाया गया है जहां पे फैमिली ऑफ बर्ड्स को दिखा रहे हैं, जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को फीड कर रही है. ये कार्ड क्योंकि एक माँ और बच्चों के बीच का रिलेशन दर्शाता है, तो ये फोर्स किसका है? क्रिएटिविटी का, एक्सपेंशन का फोर्स है. अगर ये कार्ड अपराइट आता है तो इसका मतलब है कि कोई चीज आप बढ़ाने वाले. अगर बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बिजनेस में एक्सपेंशन दिख रहा है, नेटवर्क बढ़ेगा. फैमिली बढ़ने का भी कार्ड है, हो सकता है फैमिली में कोई लेडी कंसीव कर रही हो. फिर कुछ एफर्ट्स इसमें दिख रहे हैं इन्वॉल्व, बिकॉज बर्ड्स दे मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिल्ड देयर नेस्ट. तो एडिशंस अगर हो रहे हैं फैमिली में, तो हो सकता है कि घर में रेनोवेशन हो रहा हो. क्योंकि आप अगर क्वेरेंट से पूछेंगे और क्वेरेंट कहेंगे कि यस सम पर्सन इज एक्सपेक्टिंग, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके घर में उसकी तैयारी चल रही है. तैयारी किस फॉर्म में? रेनोवेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्सपैंड कर रहे हैं वो लोग. और अगर बिजनेस रिलेटेड है तो बिजनेस पड़ रहा है. स्पिरिचुअल एक्सपेंशंस भी इस कार्ड से देखे जा सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली कभी भी समय नहीं बीतता, आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं. अब अगर यही कार्ड रिवर्स्ड आ जाए, तो एक बर्ड का नेस्ट अगर रिवर्स में आता है तो सेपरेशन दिखता है, बच्चों से अलग हो जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगा फैमिली मेंबर्स में. और बिजनेस एंडेवर्स हो सकता है उतने सक्सेसफुल ना बैठे, हो सकता है कि कुछ लोग हर्ट हो. ये रिवर्सल हमें ये भी बता रहा है कि पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ने में भलाई है. पास्ट एक्सपीरियंस किसी तरीके का लॉस दिखाता है इसमें, क्योंकि उल्टा है सब चीजें. तो आप खुद ही देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बच्चे गिरने वाले हैं, या ये बच्चे इसलिए इस तरफ चिल्ला रहे हैं कि कोई लॉस हुआ है. तो किसी ना किसी तरीके के लॉस को भी इंडिकेट करता है ये कार्ड.